दोस्तों, स्वाद का तड़का में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बनाई हुई रेसिपी ट्राई कर रहे होंगे और आपको पसंद भी आ रही होगी। आज मैं लेकर आई हूँ एक क्लासिक मुंबई स्ट्रीट फूड। जी हाँ, यह है चीज़ी गार्लिक मसाला पाव। यह रेसिपी ओनियन, टमाटो, कैप्सिकम, पोटैटो, गार्लिक, चीज़, बटर और ढेर सारे स्पाइसी मसालों का एक बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी कॉम्बिनेशन है। ये बहुत ही टेम्पटिंग डिश है और यकीन मानिए, आप इसे एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो बिना और समय गवाए चलिए फटाफट इसे बनाते हैं। यदि अभी तक आपने स्वाद का तड़का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा दीजिए। स्टार्ट करते हैं इस डिश के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जियों में हमें क्या क्या लगेगा। एक बड़ा बाउल कैप्सिकम, टमाटर, बॉयल्ड आलू और प्याज, ये चारों चीज़ें मैंने लगभग सेम क्वांटिटी में लिया है। हरा धनिया, लहसुन और अदरक, जिसे मैंने ग्रेटिंग कर लिया है। एक छोटा बाउल मटर, एक नींबू और दो हरी मिर्ची, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। सब्जियों के अलावा हमें लगेगा मोज़रेला चीज़, बटर, चीज़ क्यूब, ऑयल, पाव भाजी मसाला, रेड चिली पाउडर, हल्दी, जीरा, काली मिर्ची, चिली फ्लेक्स, नमक और चाट मसाला। और आज का हमारा मेन इंग्रेडिएंट है भाजी पाव। सबसे पहले हम गार्लिक बटर रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने बटर को मेल्ट कर लिया है। अब इसमें हम एक चम्मच लहसुन डालेंगे, एक चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, आधी चम्मच ब्लैक पेपर, आधा चम्मच पाव भाजी मसाला और हल्का सा सॉल्ट। बटर में ऑलरेडी सॉल्ट होता है तो सॉल्ट हम थोड़ा कम ही डालेंगे और इन सबको मिला लेंगे। अब इसमें धनिया डाल देंगे और इसे वापस से मिक्स कर लेंगे। गार्लिक बटर रेडी है। अब हम पाव का मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए गैस पे एक पैन रखेंगे और उसमें दो बड़े चम्मच बटर डालेंगे। और एक छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से बटर जलता नहीं है। अब हम इसे गर्म होने देंगे। बटर मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे और इसको तड़कने देंगे। गैस को हमें हाई फ्लेम पे ही रखना है। जीरा तड़कने लगा है, अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे और अदरक डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। ग्रीन चिली डालेंगे अब। गैस को सिम कर देंगे। अब इसमें हम ओनियन डालेंगे। और इसको कवर करके ओनियन को लाइट पिंक होने तक हम सेकेंगे। 2 से 3 मिनट सेकने के बाद प्याज लाइट पिंक हो गया है। अब हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे। टमाटर डालेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। गैस की फ्लेम हाई कर देंगे अभी हम। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बॉयल्ड आलू डालेंगे और मटर डालेंगे। जनरली मसाला पाव में आलू और मटर नहीं डाले जाते हैं, मगर ये ऐड करने से मसाला पाव का स्वाद और निखर जाता है, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हल्का सा नमक ऐड करेंगे ताकि सब्जियाँ जल्दी से पक जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढककर 3 से 4 मिनट इसे सिकने देंगे। 3 से 4 मिनट सेकने के बाद शिमला मिर्च और टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधी चम्मच हल्दी, 2 चम्मच गरम मसाला,
आधा चम्मच चाट मसाला, ये इस भाजी को बहुत ही अच्छा स्वाद देगा। 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, और इन सबको भी हम मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट इसे और कवर करके रखेंगे ताकि मसालों का स्वाद सब्जियों में घुल जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, मसाले भी अच्छे से घुल गए होंगे। अब इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब हम इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर लीव डालेंगे, और लेमन जूस ऐड करेंगे। और अब इसे मैशर से हम अच्छी तरह मैश कर लेंगे। हमने भाजी को अच्छी तरह मैश कर लिया है, अब भाजी रेडी है। अब हम मसाला पाव बनाएंगे। अब हम भाजी पाव लेंगे और इसे बीच में से कट करके इसके 2 पार्ट करेंगे। इस तरह। अब हम गैस पे एक तवा रखेंगे और उसमें गार्लिक बटर डालेंगे। गार्लिक बटर हम ब्रेड में लगा लेंगे। इस तरह। अब दूसरे पार्ट में गार्लिक बटर लगाएंगे। फूले हुए पाव का पार्ट हम ऊपर रखेंगे और उसका जो दूसरा पार्ट है उसमें हम मसाला भरेंगे। भाजी को अच्छे से फैलाने के बाद में अब हम इसमें चीज क्यूब डालेंगे, और चीज क्यूब को मैं ग्रेट कर रही हूँ, और इसे चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। अब इसमें हम मोज़रेला चीज डालेंगे। आप चाहे तो इसमें चीज स्लाइस यूज कर सकते हैं, चीज स्प्रेड भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसका थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे, उसके लिए मैं ऑनियन डाल रही हूँ इसमें, धनिया पत्ती, काली मिर्च, और चिली फ्लेक्स। अब हम इसमें पाव का फूला हुआ पार्ट रख देंगे। अब हम पाव में हल्का सा कट करेंगे, इसे हमें बहुत नीचे तक नहीं करना है, हल्का ही कट करना है। इस कट में हम गार्लिक बटर फिल करेंगे। अब हम इसे ओवन में बैक कर लेंगे। हमें इसे कन्वेंशन मोड पर 180 डिग्री पर 5 मिनट तक बेक करना है। आप चाहे तो ओवन की जगह इसे पैन पर भी बेक कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है चटपटा स्पाइसी चीजी गार्लिक मसाला पाव। ये देखने में बहुत यम्मी है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। उम्मीद है आप ये डिश बहुत पसंद करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जल्द ही मिलते हैं एक और नई डिश के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।